देखो यहाँ पे ये जो अपना है वो सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है, ये क्रिप्टोग्राफी अपना सेकेंड चैप्टर है। मैंने तुम्हें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बताया था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब एक मैसेज को नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। एग्जाम्पल से समझो थोड़ा, अगर तुम देखो, अगर तुमने मूवी देखा होगा परमाणु, देखा है क्या? परमाणु में जो मिनिस्टर होते हैं वो जाके प्रधानमंत्री से पूछ के आते हैं, मतलब एक लेटर लिखवा के आते हैं, उसमें ढेर सारा चीज़ कोड में लिखा होता है, और उसका इंटरप्रिटेशन जब करता है जो हीरो होता है, नायक जॉन इब्राहिम होता है शायद वो, तो वो इंटरप्रिटेशन करता है कि हाँ भाई अब परीक्षण करना है। इसी तरह दूसरा देखो, अगर एक कॉमेडी टाइप का मूवी था शाहरुख खान का, उसमें बोलता था ऑपरेशन माँ, एक ऑपरेशन माँ, माँ का ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन माँ है, ठीक, एक मिशन है उसका नाम ऑपरेशन माँ है, और उसको क्रिप्टोग्राफी की मदद से क्या बोल सकते हैं, माँ का ऑपरेशन। तो कोड लैंग्वेज में मतलब जो दूसरे पर्सन के लिए अनरीडेबल हो और मेरे लिए रीडेबल हो, इसको चेंज करने का जो तरीका है उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है, डिफिनेशन से देखते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी बाई इनकोडिंग मैसेज टू मेक दैम नॉन रीडेबल। मानो देखो यहाँ पे ये एडवांस बिहारी लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है उससे हम लिखा हुआ है, ये क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम से मतलब क्रिप्ट हो गया, मतलब अनरीडेबल फॉर्म में आ गया। तो ये देखो, इसको देख के तुम्हें लग रहा है कि तुम इसको रीड कर पाओगे एडवांस बिहारी? अगर तुम्हें ये छुपा लूँ मैं और बोलूँ कि उसे रीड करने के लिए, तुम रीड कर पाओगे? नहीं ना। तो यही है कि एक प्लेन टेक्स्ट जो हम रीड कर सकते हैं, जो हमारे लिए रीडेबल है और भी सारे लोगों के लिए रीडेबल है, तो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे। एक प्लेन टेक्स्ट को एक अनरीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं और उसको क्रिप्ट कर देते हैं, बोलते हैं ना करप्ट फाइल है, मतलब करप्ट फाइल मतलब वो अनरीडेबल है, तो ये करप्ट हो करके उसके बाद अनरीडेबल बना देते हैं, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब ये जो हम इनक्रिप्ट करते हैं किसी चीज़ को, किसी मैसेज को, तो उसको फिर डिकोड करने में, मतलब उसको बदलने में, जो बदलते हैं तो उस प्रतिक्रिया को बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। डिफिनेशन से देखते हैं। इट इज़ द टेक्निक ऑफ डिकोडिंग मैसेज फ्रॉम ए नॉन रीडेबल फॉर्मेट बैक टू द रीडेबल फॉर्मेट ऑन नॉन रीडेबल फॉर्म, मतलब जो हम डिकोड किए हुए हैं उसको, मतलब अनरीडेबल फॉर्म में है, तो उसको फिर से रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम क्रिप्टो एनालिसिस का यूज करते हैं। देखो क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस और क्रिप्टोग्राफी, इस दोनों को जब मिलाते हैं तो क्रिप्टोलॉजी बनता है। क्रिप्टोग्राफी हो गया कि मतलब डिकोड करते हैं, मतलब इनक्रिप्ट करते हैं फाइल को, अनरीडेबल बनाते हैं क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टो एनालिसिस हो गया तुम्हें कि मतलब रीडेबल बनाते हैं, प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, जो मतलब मेरा कोडेड लैंग्वेज होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, जो करप्ट फाइल होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में चेंज करते हैं, उसमें क्रिप्ट एनालिसिस बोलते हैं। इसको जो करने वाला होता है उसको क्रिप्ट एनालाइजर बोलते हैं, जो एनालिसिस करता है उसको एनालाइजर बोलते हैं, क्रिप्ट एनालाइजर। देखिए और आगे देखा, कोडिफाइड टेक्स्ट जो होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, जो इनक्रिप्ट करते हैं हम, उसके बाद जो टेक्स्ट ऑब्टेन होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। द कोडिफाइड मैसेज इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। देयर आर टू प्राइमरी वेज टू ऑब्टेन द साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को मतलब कोडिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीका, एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरा ट्रांसपोजिशन। देखो सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें तीन पार्ट है, एक तो मानो कि जब शुरू में बहुत पहले आया था जूलियस सीजर, पहले जो है सो बातचीत करता था इस पे, सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, उसके बाद थोड़ा और मॉडिफाई हुआ था। मैं सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बस जो जिसका हम यूज करते हैं उसके बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा बता दूंगा मैं, मतलब बीच बीच थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता कि हम जो है सो एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस करते हैं एक पैटर्न पे, लेकिन देखो बात क्या है कि इसको क्रैक किया जा सकता है। इसको क्रैक तो कैसे किया जा सकता है, रिवर्स कर देंगे। माने रिवर्स कैसे, अगर मानो ए को हम डी लिख रहे हैं, बी को ई लिख रहे हैं, तो हम ई को बी लिख देंगे और डी को ए लिख देंगे, पीछे से आना स्टार्ट कर देंगे। अगर मानो कि मुझे पता है तो मतलब ये उतना कोई बहुत बड़ा ज़्यादा मतलब खतरनाक था भी नहीं। इसको खतरनाक क्या बनाता है, जब परमोटेशन आता है, कॉम्बिनेशन आता है, थोड़ा मैथमेटिक्स जब घुसाते हैं तो ये एकदम खतरनाक हो जाता है। अब मानो कि एक जैसे ए है, उसके लिए मानो कि हमको 25 चाहिए, हम कॉम्बिनेशन में रैंडम डालना स्टार्ट कर देंगे, ये कोई पैटर्न ही नहीं डालेंगे, रैंडम डाल कुछ भी डाल देंगे हम मानो, और कुछ भी डाल देंगे मानो अल्फाबेट 26 है, एक के लिए 25 आएगा। ये भी क्रैक करना, एक के लिए 25 लेटर हम डाल सकते हैं, ये भी क्रैक करना जो है सो मतलब मानो कि सिंपल लगता है थोड़ा सा, मानो बैठ गया मतलब एक महीने तक क्रैक करने के लिए तो वो तो कर ही लेगा ना। वही अगर थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको कि मानो एक जो अगर ए है उसको जो है सो हम रिप्लेस करते हैं डबल ए से या डबल बी से या जो भी लेटर होगा उसका डबल से, ट्रिपल से, बंच बना दिया, अगर मानो बहुत सारा बंच बना दिया रैंडम बहुत सारा, अब इतना सारा मानो उसके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि वो जो है सो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सालों लग जाएंगे। अगर मानो इतना बहुत ज़्यादा, अच्छा एक को रिप्लेस करने के लिए मानो कि हम हजारों का मतलब ऑप्शन डाल दें, तो अब उस हजारों में से है वो कौन सा चूज करेगा, वो तो उसको पता नहीं चलेगा हैकर को। हाँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सालों बैठ के थोड़ी वो मतलब चेक करते रहेगा, पहले एक ए डालते हैं, उसके बाद दो ए डालते हैं, उसके बाद तीन ए डालते हैं, उसके बाद चार ए डालते हैं, ऐसा नहीं करेगा।
नहीं ना करेगा। जैसे देखो पहले हम क्या कर रहे थे, एक ए को लिख रहे थे डी, ठीक, और बी को लिख रहे थे ई, लेकिन ये तो क्रैक करना एकदम सिंपल था। उसके बाद क्या किया कि मानो क्रैक करना सिंपल है तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं उसके लिए, तो मानो कि रैंडम डालना स्टार्ट कर दिया, हमको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या डालना है। तब यहाँ पे हम क्या ए बी सी डी से लेके जेड तक डाल सकते हैं, ए तो ए ही है, बी से लेके जेड तक डाल सकते हैं, यहाँ भी सी से लेके और जेड तक डाल सकते हैं, तो दोनों के लिए 25-25 कॉम्बिनेशन बन रहा था। लेकिन मानो कि अगर कोई आके बैठ जाए एक महीने तक 25 कॉम्बिनेशन को ट्राई कर ले तो वो तो क्रैक कर जाएगा। अब इसको भी और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं कैसे, जब ये ए है तो इसको हम ज़्यादा से लिख दें, ऐसा मानो लिखते ही चले जाए, मानो ये नहीं पता है ये कितना है, अगर मानो एक और बढ़ा दे उसके बाद एक और बढ़ा दे कितना कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पहले तो वो एक एक के लिए चेक करेगा, उसके बाद दो दो के लिए चेक करेगा, उसके बाद तीन तीन के लिए चेक करेगा, उसके बाद चार चार के लिए चेक करेगा, उसको सालों लग जाएंगे, वो पूरा चेक करता चला जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। फिर अगर मानो कि एक साल भी बैठ जाना तो भी उसका मानो कि वो क्रैक करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो मतलब इसको जो है सो कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूशन को जो है सो कॉम्प्लिकेट कौन बनाता है, मैथमेटिक्स परमोटेशन कॉम्बिनेशन, ढेर सारा ऑप्शन, इतना सारा ऑप्शन दे देता है कि एक को रिप्लेस करने के लिए इतना सारा ऑप्शन है जो कि उसको सालों लग जाएगा करेक्ट करने में, अगर वो ट्राई भी करता है कि करके नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कितना ऑप्शन। अगर मानो तुम्हें मैं बोलूँ एक काम को करने के लिए तुम एक साल भी बैठ के ट्राई करके बता दो, मानो मैंने ये तीन का बंच बनाया, अगर दूसरा ये बी है इसका मैं 1000 का बंच बना दिया, उसके बाद सी है तो उसका मैं 200 का बंच बना दिया, अब मानो उसको कितना टाइम लग जाएगा उसको क्रैक करने में, बहुत टाइम लगेगा और वो कर भी नहीं पाएगा। तो यही सब्स्टिट्यूशन को जो है सो खतरनाक बनाता है परमोटेशन कॉम्बिनेशन। मैं परमोटेशन कॉम्बिनेशन का वन साथ एक वीडियो डालूंगा, उसका यूज डेटा स्ट्रक्चर में भी है, अब यार थोड़ा सा देखते हैं, डालूंगा पक्का। अब समझ में आ गया ना आपको कि एक कॉम्बिनेशन बढ़ा के, ऑप्शन बढ़ा के हम सब्स्टिट्यूशन को खतरनाक बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो अच्छे समझ आ गया, हम एक को दूसरे लेटर से रिप्लेस करते हैं, बंच ऑफ लेटर से कर सकते हैं, सिंगल से कर सकते हैं, डबल से कर सकते हैं, आपको जो मन उससे कर सकते हैं, ठीक। ट्रांसपोजिशन देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करने का भी तरीका होता है। तो जो सब जब हम एक लेटर को दूसरे एक ही लेटर से रिप्लेस करते हैं तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा को करते हैं तो उसको होमो बोलते हैं, होमो सब्स्टिट्यूशन साइफर। ये जब हम एक बंच वाला, जो मैंने बताया था तुम्हें कि एक बंच बना के, गुच्छा बना के, गुच्छा समझते हो मतलब कलेक्शन बना के, कॉलेज बना के, कॉलेज फोटो में तुम लोग बनाते हो इंस्टाग्राम पे अपने फोटो में कॉलेज टाइप का नहीं बनाते, एक बंच समझते हो, बंच तो पक्का, गुच्छा तो जरूर समझते हो, अंगूर समझते हो, अंगूर अंगूर का गुच्छा देखे हो ना, उस तरह से बना के, जैसे ये देखो गुच्छा है, इस वर्ड को इस गुच्छे से रिप्लेस किया, इस वर्ड को इस गुच्छे से रिप्लेस किया, जब गुच्छा बना के करते हैं ना तो उसको पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइफर बोलते हैं। डेफिनेशन से देखते हैं, इन द पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स रैदर देन रिप्लेसिंग वन प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट विथ वन साइफर टेक्स्ट अल्फाबेट एट अ टाइम अ ब्लॉक ऑफ अल्फाबेट इज रिप्लेस्ड विथ अनदर ब्लॉक। ये देखो कि हम यहाँ पे एक गुच्छे से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, अब मानो कि इसमें कितना पॉसिबिलिटी होगा, सोचो सालों दो साल मतलब पूरा जिंदगी बैठा रह जाए तो भी इसको क्रैक नहीं कर पाएगा। वो पहले वाई के साथ ए से लेकर जेड तक डालेगा, वाई के साथ वो मानो पहले तो ए से लेकर जेड तक यहाँ डालेगा, उसके बाद ए से लेकर जेड तक उसके लिए डालेगा, फिर ए से लेकर जेड तक उस तीसरे नंबर पे डालेगा, फिर ए से लेकर जेड तक फोर चौथे नंबर पे डालेगा, फिर एक भी मैच नहीं हुआ तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ बी डालेगा, बी से लेकर एक से लेकर जेड तक डालेगा, यहाँ फिर बी से लेकर ए से तीसरे नंबर के लिए बी से लेकर एच ए से बी से लेकर जेड तक डालेगा। मतलब देखो ये वाई है, ठीक, यहाँ पे ए से जेड तक डालेगा सेकंड नंबर के लिए, ए से जेड तक डालेगा सेकंड नंबर के लिए, थर्ड नंबर के लिए, ए से जेड तक डालेगा फोर्थ नंबर के लिए। अब देखो इसमें अगर मानो क्रैक नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे क्या डालेगा ए, और फिर उस यही प्रोसेस सेम करेगा, फिर यहाँ क्रैक नहीं हुआ तो यहाँ डालेगा बी, फिर यही प्रोसेस सेम करेगा, उसको पूरा साल लग जाएगा, पूरा जिंदगी लग जाएगा, लेकिन उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब गजब का चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, इस जब प्ले कार्ड पे जाऊँगा तो और मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसका दो फीचर होता है, अभी जो मैंने बताया कि आपको ए से लेकर जेड तक जाएगा पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइफर, उसका दो फीचर होता है। पहला तो देखिए कि इट यूज ए सेट ऑफ रिलेटेड मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन रूल, मतलब मानो कि मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ जितना है, जैसे अमन था यहाँ पे, अमन था, तो इसको हम लोगों ने उस टाइम पता नहीं क्या लिखा था, मुझे नहीं पता, अभी कुछ भी लिख देता हूँ। अब देखो कि यहाँ चार है तो ये भी चार ही है, ये एक बंच से रिप्लेस कर रहा है, ये एक बंच है, इसको बंच से रिप्लेस कर रहा है। मानो यहाँ पे ए को हम टी लिखे हुए हैं और एम को यू लिखे हुए हैं, ए को आई लिखे हुए हैं, एन को जेड लिखे हुए हैं, तो ये देखो कि एक बंच से एक बंच को रिप्लेस किया, इसको हम पॉली इसीलिए बोले, पॉली मतलब क्या होता है बहुत सारा, एक से ज़्यादा, समझ रहे हो ना, पॉली मतलब क्या होता है एक से ज़्यादा, तो पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन था। तो इसका पहला कि मतलब हम बंच से रिप्लेस कर रहे हैं, एक लेटर के लिए एक को ही दे रहे हैं, मतलब चार लेटर का है तो चार का बंच से रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें चार का बंच से रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें एक लेटर के लिए एक ही लेटर दे रहे हैं, समझ रहे हो, अब समझ गए होगे, नहीं समझे, समझे। इट यूज ए की दैट डिटरमाइन विच रूल इज यूज फॉर विच ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है सो मतलब एक की को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, की को क्या बोल सकते हैं, जुगाड़ बोल सकते हैं, की को यूज करता है, वो डिटरमाइन करता है कि जो मतलब कौन सा रूल कहाँ पे यूज होगा। तो ये एक सेट ऑफ रूल होता है, मानो कोई अगर मान मैंने ही अगर मुझे मतलब इंक्रिप्ट करना है तो मैं अपने लिए एक रूल बनाऊंगा, की बनाऊंगा कि हाँ भाई जब मेरे पास कोई भी ए नाम का आएगा तो हम उसको जेड से रिप्लेस करेंगे, ए लेटर आएगा तो हम उसको जेड से रिप्लेस करेंगे, ये मैं ही बनाऊंगा ना। तो ये जो की है ना वो यूजर बनाता है, जिसको इंक्रिप्ट करना है वो बनाता है, तो ये की का यूज करके और एक बंच को बंच से रिप्लेस करता है,
ठीक इतना समझेंगे बस, हो गया। रुको और बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये प्ले फेयर साइफर है, प्ले फेयर साइफर जो है स्क्वायर की तरह बना होता है समझे, इसलिए इसको स्क्वायर साइफर भी बोलते हैं, प्ले फेयर स्क्वायर भी बोलते हैं, साइफर की जगह पे स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि ये स्क्वायर की तरह दिखता है। ये क्वेश्चन आता है समझे, लिखना है। चलो इसमें क्या होता है कि पहले जो है इसमें जो है सो कुछ रूल्स होता है, तुम्हें अभी मैंने प्ले फेयर साइफर दिखाया था, प्ले फेयर साइफर मैंने दिखाया था ना अभी तुम्हें, एक बार और दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक ये देखो इसमें क्या होता है कि ये एग्जांपल से ही समझ में आएगा, लेकिन तब पर भी एक बार दिखाता हूँ, अगर अभी समझ में आया मैं एग्जांपल देना हो समझ में आएगा तुम्हें। इंटर द कीवर्ड इन द मैट्रिक्स रो वाइज लेफ्ट टू राइट एंड देन टॉप टू बॉटम। ऐसे देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्ले फेयर ही लिख देते, चलो प्ले फेयर। ठीक अब ये क्या बोल रहा है, इंटर द के इस मैट्रिक्स को हम ही लोग बनाते हैं, ये 5x5 का मैट्रिक्स होता है, ये जो प्ले फेयर साइफर होता है इसका मैट्रिक्स से मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, यूजर बनाता है, ये 5x5 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और दो दो का पेयर, इसमें दो दो का पेयर लेंगे हम, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक बार इसको पढ़ते हैं उसके बाद फिर से हम अभी जस्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बस। इंटर द कीवर्ड इन द मैट्रिक्स रो वाइज लेफ्ट टू राइट एंड देन टॉप टू बॉटम। पहले क्या करेंगे हम कि अगर लेटर जो है उसको हम सीधे लिखेंगे लेफ्ट टू राइट रो में लिखेंगे, उसके बाद टॉप टू बॉटम आना स्टार्ट हो जाएंगे, पहले इधर अगर भर गया तो फिर यहाँ से टॉप टू बॉटम आ जाएंगे। बात समझ में आ गया नहीं आया, हम एग्जाम्पल बताएंगे तभी आएगा। ड्रॉप द डुप्लीकेट लेटर, अगर मानो कि जो जगह रिपीटेड हो रहा है, जैसे मानो कि जो जगह खाली बचा हमको 5x5 का बनाए हम, ठीक उसमें कुछ जगह जो है सो खाली बच गया हमको, तो उसमें क्या करेंगे डुप्लीकेट लेटर उसको जो दूसरा अल्फाबेट जो हमारे सेंटेंस में नहीं है उससे मतलब उस खाली जगह को भरेंगे, उसके बाद उस फिर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का रूल होता है, ढेर सारा रूल होता है, मैं एक एक करके सारा बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले बनाना सीखते हैं उसके बाद आते हैं। मानो कि एक सेंटेंस कुछ लेते हैं, सेंटेंस क्या यही ले लेते हैं, चलो ये प्ले फेयर है ना इसी को ले लेते हैं, ये प्ले फेयर को। ठीक तो पहला क्या था हमें कि राइट टू लेफ्ट फील करना था, यहाँ देखो पहले पी एल ए वाई, ठीक उसके बाद एफ, अब यहाँ पे फिर ए है, तो मैंने एक बार यहाँ ए लिख चुका है, अब दोबारा ए नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। तो अब एक अगर मैंने एक बार लिख चुका है, इसके बाद क्या लिखेंगे आई, ये एल है ये आई, फिर आर, उसके बाद सी, फिर आई यहाँ पे लिख चुके हैं तो आई तो लिखेंगे नहीं, तो पी भी लिख चुके हैं तो पी भी नहीं लिखेंगे, एच और ई, आर मैं पहले से लिख चुका हूँ तो आर मैं लिखने वाला नहीं हूँ, चलो इतना हुआ। ठीक सही है, अब हमको क्या था कि मतलब फॉल्स अल्फाबेट से पूरे स्पेस को भर देना था, तो फॉल्स अल्फाबेट से कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे जेड लिख दो, वाई लिख दो, डब्ल्यू लिख दो, वाई है वाई को नहीं, वाई नहीं लिख सकते, जो इसमें है इसमें जो है वो यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक तो अब यहाँ पे डी नहीं है एक, अब मानो कि और क्या कहना है जल्दी बता दिया, बी बी नहीं हो सकता, और यहाँ पे और क्या क्या नहीं है, जी नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है, क्यू नहीं है, एक्स वाई जेड, एक्स नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है, भी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू लिख चुका हूँ, और क्या क्या होता है जी हमको तो रुक जाओ, जे नहीं है और के नहीं है। ठीक अब देखो ये भर गया, मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है ये तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बताओ, एक बार फिर से बताओ क्या। देखो पहले हम राइट से लेफ्ट भरेंगे, ठीक राइट से मैंने लेफ्ट भरा तो पी एल ए वाई यहाँ से फिर यहाँ आए, एक ही बार एक अल्फाबेट को हम एक ही बार लिखेंगे, एक अल्फाबेट को मैंने एक ही बार लिखा है, बताओ यहाँ पे ए है और कहीं पर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें एक कितनी बार रिपीट हुआ, दो बार हुआ ना भाई, देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी है, आई जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस मैट्रिक्स में दोबारा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए, ये 5x5 का मैट्रिक्स बन गया। इसे सॉल्व करना भी मैं बताऊंगा, लेकिन सॉल्व करना अभी अगले लेक्चर में बताता है, इस पर ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसका सॉल्व करने का 4-5 रूल होता है, पहले तो आप ये क्रॉस क्रॉस जाएंगे, ये सीधा सीधा जाएंगे, अगर क्रॉस क्रॉस जा रहे हैं, अगर मानो कि हम दो का पेयर बनाते हैं अपना, अगर पी एल का पेयर है, ठीक तो पी एल का पेयर है, ये पी और एल का पेयर मैंने बताया था, इसके नीचे ये दोनों होगा तो हम आई आर से रिप्लेस कर सकते हैं पी एल को, पी एल को हम रिप्लेस कर देंगे आई आर से, इसका रूल होता है, एक क्रॉस का भी रूल होता है, क्रॉस में अगर पेयर बन रहा हो तो अपोजिट वाले दोनों को रिप्लेस कर देंगे, इसका मैं बताऊंगा तुम्हें अगले लेक्चर में। ठीक है बाय।